विभस्त हूँ विभोर हूँ मैं जिंदगी में चूर हूँ। घनघोर अंधेरा ओढ़ के मैं जन जीवन से दूर हूँ। शमशान में हूँ नाचता मैं मृत्यु का गुरूर हूँ। साम दाम तुम ही रखो मैं दंड में संपूर्ण हूँ। काल का कपाल हूँ मूल की चिंगाड़ हूँ। मैं आग हूँ मैं राख हूँ मैं पवित्र रोष हूँ। मुझ में कोई छल नहीं मेरा कोई कल नहीं। मैं पंख हूँ मैं श्वास हूँ मैं ही हाड़ मांस हूँ। मौत के ही गर्भ में हूँ जिंदगी के पास हूँ। अंधकार का आकार हूँ प्रकाश का प्रकार हूँ। मैं मोक्ष का ही सार हूँ मैं पवित्र रोष हूँ। आप सभी को देवाधिदेव महादेव की मंगल पर महाशिवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। न्यूज फॉर इंडिया के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं मनुस्मृति लिखोत्रा एक बार फिर से आप सबके बीच हाजिर हूँ महाशिवरात्रि की महिमा का बखान करने उसके तत्व ज्ञान को जानने और समझने के लिए। महाशिवरात्रि का महापर्व एक बार फिर हम सभी के आस्था के द्वार पर दस्तक देने को तैयार है। इस दिन फिर से मंदिरों में जगमग सहस्त्र ज्योतियां जगेंगी। अनहद घंटों की ध्वनि गूंजेगी। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंगों पर जल अर्पित होगा। समस्त वातावरण शिवमय होने लगेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भोलेनाथ का ये महापर्व हमें केवल बाहरी ज्योतियां दिखाने बाहरी घंटियां सुनाने या केवल जलाभिषेक अर्पित करने के लिए नहीं आता बल्कि हमें देवाधिदेव शंकर की शाश्वत ज्योति अनहद नाद और भीतरी अमृत के अनुभव से जोड़ने भी आता है। बाहरी मंदिर की पूजा ही नहीं अंतर जगत के अलौकिक मंदिर का साधक बनाने भी आता है। शिव की महिमा मनाने ही नहीं बल्कि शिवत्व को जानने और उसमें स्थित तत्व ज्ञान का बोध कराने भी आता है। शिव शंकर भोलेनाथ की बात की जाए तो भगवान शिव तत्वतः निराकार ब्रह्म है। अब जरा लिंग शब्द पर भी विचार करते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक। तो इस प्रकार शिवलिंग जो शिव और लिंग के योग से बना है का अर्थ हुआ निराकार ब्रह्म। निराकार ब्रह्म का प्रतीकात्मक स्वरूप यानी शिव के अवयव अक्षर और देह से रहित रूप का प्रतीकात्मक चिन्ह शिवलिंग है। अब चूंकि शिव के इन लिंगों को ज्योतिर्लिंग कहकर भी महामंडित किया गया इसलिए शिवलिंग स्थूल रूप में मात्र एक पिंडी प्रतीत होता है किंतु ये ब्रह्म के प्रकाश स्वरूप का प्रतीक है। ज्योतिर्लिंग कहीं बाहर नहीं है हमारी काया रूपी मंदिर के भीतर है। जो इस आंतरिक लिंग देव की पूजा करता है उसके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। आज आवश्यकता ये भी है कि शिवलिंग से जुड़ी सभी गलत धारणाओं को खंडने की ताकि वर्तमान और भविष्य का समाज वास्तविकता से अवगत हो सके। महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का पर्व है। हिंदू के इस प्रमुख पर्व को फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चतुर्दशी तिथि को चंद्रमा अपनी क्षीण अवस्था में पहुंच जाता है। बलहीन चंद्रमा सृष्टि को ऊर्जा देने में असमर्थ हो जाते हैं। चंद्रमा का सीधा संबंध मन से कहा गया है। अब मन कमजोर होने पर भौतिक संताप प्राणी को घेर लेते हैं तथा विषाद की स्थिति उत्पन्न होती है इस जिससे कष्टों का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा शिव के मस्तक पर सुशोभित है अतः चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान शिव का आश्रय लिया जाता है। महाशिवरात्रि शिव की प्रिय तिथि है। शिव आदि अनादि हैं, सृष्टि के विनाश और पुनर्निर्माण के बीच की कड़ी है। प्रलय यानी कष्ट पुनर्निर्माण यानी सुख। ज्योतिष में शिव को सुखों का आधार मानकर महाशिवरात्रि पर अनेक प्रकार के अनुष्ठान करने की महत्ता कही गई है। शिवरात्रि को शिव पार्वती की विवाह की रात्रि भी माना जाता है। दार्शनिक इसे पुरुष एवं प्रकृति के मिलन की रात्रि मानकर इस दिवस को सृष्टि का प्रारंभ मानते हैं। इसे आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए शिव एवं शक्ति का अर्धनारीश्वर योग भी कहा गया है। वैसे भी माना गया है कि शक्ति के बिना तो शिव शव के समान है। शिव तो सर्वस्व देने वाले हैं। विश्व की रक्षार्थ स्वयं विषपान करते हैं। अत्यंत कठिन यात्रा कर गंगा को सिर पर धारण करके मोक्षदायिनी गंगा को धरा पर अवतरित करते हैं। श्रद्धा आस्था और प्रेम के बदले सब कुछ प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि शिव और पार्वती के वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने का दिन होने के कारण प्रेम का दिन है। ये प्रेम त्याग और आनंद का पर्व है। शिव स्वयं आनंदमय है ज्ञानमय है। शिव के समीप जाकर सच्चिदानंद का साक्षात्कार करवाने का पर्व ही तो है महाशिवरात्रि।
महाशिवरात्रि इस बार 1 मार्च को शिव योग की साक्षी में आ रही है। ग्रह गोचर की मान्यता के आधार पर देखें तो वार, तिथि, योग, नक्षत्र, करण तथा ग्रहों के संचरण का यह समय विशिष्ट अनुक्रम बना रहा है। शास्त्रीय गणना के अनुसार ग्रहों की इस प्रकार की विशिष्ट स्थिति 1 शताब्दी में 1 या 2 बार बनती है। विशेष ग्रह स्थिति और योग नक्षत्र की साक्षी में महाशिवरात्रि पर की गई शिव साधना का पुण्य फल भक्त को 5 गुना से अधिक प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि इस बार घनिष्ठा नक्षत्र शिव योग चतुष्पद करण तथा कुंभ राशि के चंद्रमा की साक्षी में आ रही है। इस दिन कुंभ राशि पर सूर्य, चंद्र तथा बृहस्पति का त्रिग्रही योग बन रहा है। इस योग में चंद्र सूर्य का विशेष प्रभाव देवगुरु बृहस्पति के साथ ही का त्रिग्रही योग बन रहा है। इस योग में चंद्र सूर्य का विशेष प्रभाव देवगुरु बृहस्पति के साथ संयुक्त रूप से होने जा रहा है। ऐसे योग में व्रत अनुष्ठान तथा अन्य धार्मिक कार्यों का विशेष फल प्राप्त होता है। ये भगवान शिव की विराट दिव्यता का महापर्व है। भारतीय शास्त्र के अनुसार शिव अनंत है, शिव की अनंतता भी अनंत है। मानव जब सभी प्रकार के बंधनों और सम्मोहनों से मुक्त हो जाता है तो स्वयं शिव के समान हो जाता है। समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त होने पर ही मनुष्य को शिवत्व प्राप्त हो जाता है। शिव और शिवत्व की दिव्यता को जान लेने का महापर्व है महाशिवरात्रि। कैसी लगी आपको हमारी ये प्रस्तुति? आप हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें तथा हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।